फरुखाबाद जिले में पीड़ित महिला पीआरडी जवान ने बताया कि उसने लगभग 1.5 साल पहले जय सिंह से जमीन का बेनामा कराया था और कब्जा भी कर लिया था, जिसके बाद पीड़ित महिला पीआरडी जवान ने बताया कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसके ही परिवारी उसे बेनामा कराई भूमि पर मकान नहीं बनाने दे रहे और उसने थाना अध्यक्ष नवाबगंज सहित जिला अधिकारी और संपूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायत की थी, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। हालांकि लेखपाल एक बार उक्त भूमि की पैमाइश भी करने गए, लेकिन दबंगों ने पैमाइश भी नहीं होने दी, जहां महिला पीआरडी जवान ने आरोप लगाया कि दबंग लोग थाना पुलिस से मिले हुए हैं, जिससे पुलिस कोई भी कार्रवाई दबंगों के खिलाफ नहीं कर रही है। कहाँ रहती हैं आप? आजमपुर पोस्ट पड़ रही। अच्छा, ये बताइए जो आप कहाँ पोस्टिंग है? आप मेला थाने मेरी पोस्टिंग चल रही है। अच्छा, ये बताइए मामला क्या है जो आप परेशान हो रहे हैं? जगह खरीदी है मकान के लिए, मेरे पास मकान नहीं है बिल्कुल, मैं पन्नी में गुजर कर रहा हूँ, अपनी रोटी सब्जी बना रहा हूँ, बारिश में मेरे पास बिल्कुल बच्चे लिटाने के लिए जगह नहीं है। मैंने मकान बनाने के लिए कहा साहब से परमिशन ली, एसपी साहब से परमिशन ली, एसडीएम साहब से परमिशन ली, एसडीएम साहब से परमिशन ली, फिर भी थाने में कम से कम थाने फरवरी से दौड़ रहा हूँ, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, बताओ मैं क्या करूँ। और यहाँ से ये दलाल है पुटरी का संतोष। तो कौन कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा हमारे परिवार ही कर रहे हैं उससे, और पुटरी का दलाल है संतोष जो मेरे से एक बार 18,000 रुपए लिए, कहा हम तुम्हारा बनवा देंगे और फिर भी नहीं बनवाए। अब उनसे पैसे लिए, अब उनसे बोला है कि मैं आ रही हूँ गुजरात से रास्ते में, अब तुम थाने चलो, थाने में पूरा पावरफुल कर लो चल के, ये मेरा कुछ ना करवा पाए, मैं आऊंगा सीधे से पुलिस उड़ा दूंगा आगे। और रास्ते में वो आ गया गाँव। नामा किसका नाम है? मेरा नाम है सुषमा के नाम से। अच्छा, ये बताइए आप पुलिस विभाग में नौकरी कर रही हैं, पुलिस आपके क्या सहयोग कर रही है? कोई सहयोग नहीं कर रही है, मैं यहाँ से कप्तान सर के यहाँ से एसडीएम 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 आरएस कहाँ तक एप्लीकेशन भेजवा मेरे साथ पूरे से। अगर आपका ये समाधान निस्तारण नहीं होता तो क्या करेंगे आप? अब हम सीधे जाएंगे लखनऊ के लिए, सीधे लखनऊ जाएंगे। जब आपका आपका विभाग भी सहयोग नहीं कर रहा है? विभाग नहीं सहयोग कर रहा है, हमारा विभाग सिर्फ दलाली खा रहा है, पैसे दे देता है उसी का खाता है। एसडीएम साहब ने क्या आदेश दिया? एसडीएम साहब ने कहा जाओ थाने में, एसओ साहब जाएंगे आपका काम पूरा करवाएंगे जाके। जमीन आपके नाम है लेकिन आपका कब्जा नहीं मिल पा रहा है? दलाल लोग नहीं बनवाने दे रहे, 50 लोग, मैं अकेला हूँ। आगे पति क्या करते हैं? पति मेरे खेती करते हैं।